लखनऊ से करीब 130 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में बसे कनौज में जैसे ही आप आएंगे, इत्र की खुशबू आपको एक दूसरी ही दुनिया में ले जाएगी। और इंडिया में इत्र बनाने का काम इस सिटी में 5000 साल से चलता आ रहा है। जी हाँ, इसीलिए इसे कहते हैं परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया। वर्ल्ड में नेचुरल तरीके से सबसे ज्यादा मात्रा में इत्र कनौज में ही बनाया जाता है और यहाँ की 80% पॉपुलेशन इत्र मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है। पर्शियन वर्ड अत्र से बना शब्द इत्र यानी खुशबू, ये तो आपने सुना ही होगा, पर खुशबू बिखेरने का ये दस्तूर इस शहर में शुरू कैसे हुआ? प्राचीन काल से हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में इत्र बनाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। सुगंध का सबसे पहला वर्णन वेदों में मिलता है। वेदों में लिखा गया है कि जब यज्ञ होते थे तो उन यज्ञों में अनेक प्रकार की बलि भी दी जाती थी। मांस की आहुति दिए जाने से जो दुर्गंध उत्पन्न होती थी उसे दूर करने के लिए सुगंधित द्रव्यों को अग्नि में डालते थे। आगे चल करके विभिन्न द्रव्यों से उसके जो सुगंध है उसके भीतर है उसे निकालने की कला प्रारंभ हुई। आजकल केमिकल कॉम्बिनेशन से सिंथेटिक परफ्यूम्स बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं, पर कनौज में इत्र बनाने का बेहद पेचीदा नेचुरल प्रोसेस कभी पुराना नहीं हुआ। 5000 साल पहले शुरू हुए इस काम को लोग पीढ़ियों से धरोहर की तरह बचा कर रखे हुए हैं। कनौज में इत्र बनाया जाता है हाइड्रो डिस्टिलेशन प्रोसेस से। इसके लिए निकल प्लेटेड कॉपर के बर्तन यूज होते हैं ताकि इसमें जंग ना लगे। देग यानी कंटेनर में फूल और पानी रखते हैं और भपका यानी कंडेंसर में ऑयल होता है। बॉयल होने पर कंटेनर में मौजूद फूल वाटर वेपर के रूप में कंडेंसर में आते हैं एक हॉलो बैम्बू पाइप की मदद से। कंडेंसर में मौजूद ऑयल वेपर्स की खुशबू को अब्सॉर्ब कर लेता है। 4-5 घंटे के इस प्रोसेस के बाद जब कंडेंसर पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तब फिल्ट्रेशन के थ्रू ऑयल से बचा कुचा पानी अलग कर दिया जाता है। इत्र की क्वालिटी के हिसाब से इस प्रोसेस को 30 दिनों तक भी रिपीट किया जाता है। कनौज में खास तौर पे 6 तरह के इत्र बनाए जाते हैं जिनमें गुलाब, हीना, शममा हीना, मोगरा, बेला और एक खुशबू जो यहाँ की सबसे खास पहचान है, मिट्टी इत्र। तो कालिदास ने अपने मेघदूत में लिखा है कि जब अषाढ़ में पहला मेघ बरसता है तब धरती में से एक विशेष गंध निकलती है और कन्नौज के व्यापारियों ने उस गंध को शीशियों में कैद कर लिया। और ये मिट्टी इत्र सिर्फ और सिर्फ कनौज में ही बनता है। नेचुरल और सेफ होने की वजह से ये इत्र कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन्स में भी यूज होते हैं। कनौज के बने इत्र पूरे देश भर में सप्लाई होते हैं। फूलों के सीजन के हिसाब से कनौज में करीब 20 लाख लीटर ऑर्गेनिक परफ्यूम मैन्युफैक्चर होता है। पूरे इंडिया में कनौज के इत्र का सप्लाई तो होता ही है, साथ ही साथ बड़ी मात्रा में वर्ल्ड की 50 कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होता है। ऐसी ही एक परफ्यूम सिटी है फ्रांस की ग्रास। ग्रास परफ्यूम इंडस्ट्री 18 सेंचुरी के एंड से परफ्यूम मैन्युफैक्चर कर रही है और आज ग्रास वर्ल्ड्स परफ्यूम कैपिटल है। ग्रास की परफ्यूम इंडस्ट्री में मॉडर्न टेक्निक्स यूज होती हैं, पर हमारे कनौज में पिछले 5000 सालों से ट्रेडिशनल तरीके से नेचुरल इत्र बनाया जाता है। यानी ये क्लियर है बॉस, इत्र के मामले में भी इंडिया बहुत पहले से महक रहा है। यही तो है कनौज के इत्र का जादू। एक बार आप इस शहर आए तो अपने साथ ऐसी महक लेकर जाएंगे जो जिंदगी भर आपकी जहन में घर कर जाएगी। यही तो है कनौज के इत्र का जादू।